ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दः श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। किसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, हर शास्त्र कहता है साधु संग करनी चाहिए। कहते ना साधु संग सर्वशास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हर शास्त्र कहता है साधु संग करनी चाहिए और गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। जब तक हम जीवन में साधु संग नहीं करते हैं हमारे ज्ञान उदय नहीं होता है। हर जब तक यदि भगवान की कृपा नहीं हो तब तक हमें साधु संग भी नहीं मिलता है। इसलिए हर शास्त्र कहता है हमें साधु संग करो, साधु संग करो। तब किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, हर शास्त्र तो कहता है साधु संग करने के लिए, लेकिन हमें साधु संग कैसे करनी चाहिए ये भी तो पता होनी चाहिए। इसलिए आप देखना जो जिस साधुओं की जटा जुट है ना उसमें भी एक कीड़ा रहता है, जू रहता है, वो भी साधु की जटा में ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है साधु का खून चूसता है। ऐसे नहीं साधु को पास में इसीलिए रहे केवल अपना मतलब सिद्धि करने के लिए ही रहे। क्या इसको साधु संग कहते हैं? बोले नहीं, इसको साधु संग नहीं कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मनोजोग दिए हरि कथा श्रवण द्वारा ही साधु रो प्रति प्रकृष्ट संग है। इसलिए साधु संग कैसे करनी चाहिए, कहते मन योग को साथ में साधुओं का जो कथा है उसको सुननी चाहिए। एक होता है हाँ जाननी चाहिए, हैं साधु संग करनी चाहिए, जाननी चाहिए, रोज रोज साधु मंदिर में आते हैं सुनते हैं, लेकिन एक तरह का कथा होता है इधर सुने और इधर हमने निकाल करके आ गए हैं। कहते एक समय एक सास और एक बहू, ये सास बहू रहती हैं। अभी सास रोज हरि कथा सुनने के लिए जाए, बहू भी कभी कभी बोलती है बोले सास जी मेरे को तो बीच बीच में ले जाया करो, मैंने सुना है बड़ी सुंदर सुंदर कथा होती है। बस बहू सास कहती है अरे अभी तुम बच्ची हो तुमको कथा सुनने का क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। एक दिन एकादशी तिथि आ गई, अभी बहू तो पीछे बढ़ गई, बोले नहीं आज तो एकादशी तिथि कम से कम आज का दिन तो हमें ले चलो मंदिर में कथा सुनाने के लिए।
पीछे पड़ गए तो बोले चलो ठीक है अभी आए। पंडित जी एकादशी का दिन था, पंडित जी खूब एकादशी की महिमा सुनाए। एकादशी जैसे तिथि दुनिया में कुछ भी नहीं, एकादशी व्रत रखने से सारे व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी को कल्पतरु व्रत कहते हैं, जो मांगो वही मिलेगा हैं। इसलिए जो एकादशी व्रत रखते हैं कहते माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी तिथि करने से भगवान के चरण में भक्ति बढ़ती है। खूब उन्होंने एकादशी व्रत की कथा सुनाई और एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, भ्रूण हत्या, पितृमातृ हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं। उनने खूब एकादशी कथा सुनाई, बहुत तो कभी कथा में आती नहीं थी। बोले एकादशी की इतना महिमा हमें तो पता ही नहीं था, सब कुछ मिलता है, एकादशी व्रत रखनी चाहिए। घर में बहू आई और अन्न बनाई नहीं, रोटी और हलवा नहीं बनाई, सब्जी नहीं बनाई और उसने फलाहार बनाई। फलाहार बना करके जब सास को खिलाई ना, सास ने बोली तुमने आज पूरी नहीं बनाई, आलू गोभी की सब्जी नहीं बनाई, तुमने हलवा नहीं बनाई। बोले क्यों, आज तो एकादशी व्रत, हम कथा सुनने के लिए जा गए थे, देखा ना पंडित जी एकादशी कितना महिमा सुनाया करते थे, सुना कि नहीं। इसलिए एकादशी का दिन अन्न में सारे पाप रहते हैं। सास ने बोली इतना दिन से मैं कथा सुनने जाती हूँ, एक अक्षर भी घर में लेकर के नहीं आई, और तुमने एक दिन कथा सुनने के लिए गई तो सारे बात लेकर घर में आ गई, सारे बात घर में लेकर के आ गए। कहते भैया ऐसे कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते साधु संग हमें कैसे करनी चाहिए, कहते मन जोग दे करके, मन से साधु संग करनी चाहिए। मतलब है जो साधु हमें उपदेश देते हैं उसको अपना जीवन में उतारनी चाहिए। केवल बैठने पर संग नहीं होता है, संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन करना, मतलब पूर्ण रूप में उनकी आदर्श को अपना जीवन में उतारना ही ये साधु संग है, केवल बैठने पर नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं साधु गणे रे प्रकृष्ट संग होले भगवानेर बीर्ज ओ जगतेर द्रौबल कथा हमारा बुझते पारी। जब सचमुच से हम साधु संग करेंगे इसका फल क्या होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते एक संग है और एक प्रकृष्ट संग है। संग होता है आसपास में रहना घूमना, इसलिए बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हाँ गुरु जी को साथ में रहते थे लेकिन कोई गले में कंठी माला तिलक से कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरु जी को साथ में घूमते रहते हैं, गुरु जी को साथ में जाते रहते हैं, लेकिन उनका कोई भजन आदर्श कोई उतार जीवन में उतारना कुछ भी नहीं, उसको थोड़ी संग कहते हैं, हैं थोड़ी संग कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर सचमुच से वैष्णव का प्रकृष्ट संग करेंगे, प्रकृष्ट मतलब होता है पूर्ण रूप में उनकी भजन आदर्श को ग्रहण करना, इसको कहते प्रकृष्ट संग है। तो अगर साधु का प्रकृष्ट संग हो ले क्या होगा, भगवान बीर्ज वो जगत रे द्रौबल कथा हमारा बुझते पारी। जब ऐसे संग करेंगे फिर क्या होगा, कहते भगवान की कथा कैसे हैं। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदो माँ, अगर तुम वैष्णव का प्रकृष्ट संग करोगे, उनकी जो बड़े बलवान कथा है, साधुओं की कथा कोई साधारण कथा नहीं, बड़े बलवान कथा है। क्यों, वो लोग अपना जीवन में आचरण करते हैं और आचरण करते हुए जो हरि कथा बोलते हैं उसमें विशेष महत्व रहता है, उसमें विश्वास। देखना जगत में बहुत सारे लोग भागवत कथा वाचक कथा करते हैं, आप देखना पूरा साथ के साथ दिन बैठेंगे हरि कथा सुनेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन भी परिवर्तन नहीं होता, एक व्यक्ति का जीवन भी जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। बस वो अपना स्थान पर जैसे प्याज लहसुन खाते थे वैसे प्याज लहसुन खाते हैं,
मांस मछली अंडा दारू जो पीते हैं सब कुछ करते हैं। हाँ साधनी आए, हाँ बड़े बड़ा आनंद आ गया। बोले कैसे? बास को नाच कूद दिए, गाए पिए, खूब उत्सव हुआ, बास कथा खत्म। बोले कथा भी खत्म, वो भी खत्म है। कहते नहीं, ये साधु संग नहीं, इसको साधु संग इसको नहीं कहते। साधु संग उसको कहते हैं जो सचमुच से उनकी जो ब्रजवाद की कथा, क्योंकि वो जीवन में आचरण करते हैं, आचरण करने का वजह से जो कथा सुनते हैं ना, उनका अंदर में प्रभाव भी पड़ता है, उनके अंदर में प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन, और दूसरों को जिस रंग में वो रंगे हैं, दूसरों को भी वो रंग में रंगा देते हैं, वो रंग में रंगा देते हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद किसको उन्होंने भेजे थे प्रचार करने के लिए, तब उन्होंने पूछा प्रचार कैसे हुआ? बोले प्रभुपाद बहुत बढ़िया हुआ। बोले कैसे बढ़िया हुआ? बोले बहुत लोग कथा सुनने के लिए आए, बहुत लोग कथा सुनने के लिए आए, बढ़ते बढ़ते गए। प्रभुपाद कहे तुम्हारी कथा सही नहीं हुआ। और एक पूछा कैसे कथा चली? बोले गुरुदेव पहले दिन तो बहुत लोग आए, लेकिन उसको बाद में ना धीरे धीरे घटते घटते बहुत कम लोग हो गए। बोले लगता है तुम्हारी कथा सही नहीं है। बोले क्यों? बोले कारण है जो सचमुच से साधु जो हरि कथा बोलेंगे ना, कहते संत एवास छिंदंती मन व्यास संग होती है। जो सही साधु की जो कथा है वो आचरण के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, वो ज़्यादा लोग इकट्ठे के लिए ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, वो ज़्यादा जोर देते हैं आचरण के लिए। भैया अपना जीवन में कथा को उतारो, अपना जीवन में कथा को उतारो। कैसे उतारो? चार नियम को पालन करो, भागवत में चार नियम को पालन करो। गंदी आदत को छोड़ो, जुआ मत खेला करो, नस्ली वस्तु ग्रहण मत करो, अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, और मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत खाओ, और तिलक धारण करो, गला में तुलसी कटी धारण करो, एकादशी व्रत करो, असत संग से दूर रहो। ये तो साधुओं की कथा है ना, साधु तो यही चाहते हैं। ऐसे नहीं बुरा के बुरा आपने कथा कर दिया, लोगों का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। भैया वो बेकार है, वो पता नहीं, वो बेथा है। भले ही उसमें एक व्यक्ति आए, अगर एक व्यक्ति अगर सचमुच से अपना जीवन में, अपना जीवन में अगर कथा को उतार लिया, भजन करने लग गया, क्या समझनी चाहिए? हमारी कथा करना वहाँ सार्थकता हो गई, हमारी कथा सार्थकता हो गया। लेकिन 7 दिन तक तुमने कथा ही कथा सुना है, लेकिन किसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, वो कथा थोड़ी कथा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो सही जो साधु की जो ब्रजवती जो हरि कथा है ना, जो ब्रजवती जो हरि कथा है भैया, वो कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं, वो कथा को सभी नहीं सुन सकते। जो ज़्यादा भोगी व्यक्ति है ना, वो कथा को ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर प्रकृष्ट साधु की संग हो, प्रकृष्ट साधु का अगर संग हो तो कहते उनकी जो कथा है बड़ी बलवान कथा है, बड़ी ब्रजवती कथा है। जगतेर द्रौपदी कथा हमारा बुझते पारी, जब साधुओं का ब्रजवती कथा सुनेंगे, ये संसार का जो दुर्बलता है तभी हम, ये संसार की नश्वरता तभी हम समझ सकते हैं। इसलिए हमारा तखन साधुगण कथा मत सेवा करते करते कृष्ण सेवाए सुदृढ़ विश्वास आसक्ति और प्रीति लाभ करते पारी। तो प्रभुपाद कहते हैं जब प्रकृत हम प्रकृष्ट साधुओं की जब हम संग करेंगे, फिर क्या होगा? हमारा तखन साधुगण कथा मत सेवा करते करते कृष्ण सेवाए सुदृढ़ विश्वास आसक्ति प्रीति लाभ करते पारी। कहते अगर हम ऐसे साधुओं की अगर कथा सुनेंगे, फिर क्या होगा? साधुओं की कथा श्रवण करते करते साधुओं की कथा के अनुरूप क्या होगा? वो क्या बोलेंगे साधु लोग? भैया प्रेम करना तो भगवान से प्रेम करो। प्रेम किसको करनी चाहिए? ठाकुर जी में प्रेम करनी चाहिए, दुनियादारी में प्रीति नहीं करनी चाहिए। दुनियादारी का जो आसक्ति तुमको बंधन में डालेगा,
अगर सचमुच से हम साधु की कथा सुनेंगे तो हमारी जो आसक्ति है, जो प्रीति है, वो धीरे 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 भगवान के चरण में अपने आप भगवान के चरण में लगना शुरू हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप में ठाकुर का सेवा करेंगे, ठाकुर का नाम करेंगे, ठाकुर का कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर माला बनाएंगे। क्यों? साधु की कथा सुन रहे हैं। साधु तो यही बोलेंगे ना, भगवान में प्रीति करो, भगवान की सेवा करो। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करते करते अपनी आप भगवान के प्रति सुदृढ़ तुम्हारी विश्वास भी आएगा, भगवान के प्रति सुदृढ़ तुम्हारी विश्वास भी आएगा। नहीं, भगवान की भक्ति करने से हैं भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। अवश्य रखवे कृष्णा विश्वास पालन, ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे। उनकी उनकी भक्ति का प्रति धीरे 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 तुम्हारी निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम धीरे 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 कथा श्रवण करते 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 धीरे धीरे तुम्हारी बड़ी। कृष्ण सेवाय और कृष्ण प्रीति जीवर चरम प्रयोजन। इसलिए जब हम साधु संग करेंगे, साधु संग से हमें लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा कहते कृष्ण सेवाय और कृष्ण प्रीति। हम समझ पाएंगे कृष्ण के चरण में प्रीति करना और कृष्ण के चरण की सेवा करना ही ये जीवन का प्रयोजन है। साधु संगों तो हरी कथा होगी ना, प्रभु की चर्चा होगी, इसे हमें पता चलेगा अगर प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, इसको प्रीति और प्रेम करनी चाहिए, केवल भगवान को ही करनी चाहिए। और ये दुनियादारी में करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम सचमुच से साधु संग करेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी धीरे 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 ठाकुर का प्रति हमारी प्रेम जरूर बढ़ेगा। ये साधु संघ का ये फल है। दूसरा किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया कहते श्रेय पथ की विघ्न थाके। हाँ, ये चीज को ठीक से सुनो। कहते एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय, ये चीज को समझ लो। श्रेय मतलब होता है पहले तुमको जो लगता है कठिन है, लेकिन बाद में जिसका फल बहुत बढ़िया है, ये श्रेय। और प्रेय किसको कहते हैं? पहले तो तुमको बढ़िया लगेगी, लेकिन जो बाद में है ना, जिसका फल बढ़िया फल नहीं, घटिया फल है। अब देख रहे ना, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बोझ है कि नहीं, कितना टेंशन है पढ़ने का, है ना। जब पेपर आ जाता है पिता माता है पढ़ाई करो, नंबर बढ़िया आनी चाहिए, इधर उधर मत स्मार्टफोन ज़्यादा मत देखा करो, इधर उधर ज़्यादा मत घुमा करो, पिता माता शासन करते कि नहीं पढ़ाई में। लेकिन पहले पढ़ाई तो कठिन लगता है, लेकिन जब कुछ साल बढ़िया से पढ़ाई कर लो ना, एकदम बढ़िया से पढ़ाई तो कठिन लगता है, लेकिन जब बढ़िया नौकरी मिल गया बस बैठ बैठ करके अरे पैसा कमाओ, जिंदगी और आनंद मिल जाए। पहले क्या लगा आपको? पहले क्या लगा? कठिन। लेकिन बाद में क्या लगा? मीठा। थोड़ी सी पहले कड़वा तो लगी, लेकिन जीवन भर के लिए मीठा। लेकिन जो पहले बढ़िया लगता है, बच्चों को थोड़ी पढ़ाई कर मन लगता है, उनको इच्छा होता है घूमे फिरे, खाए पिए, मस्ती करे, लेकिन पहले ये बढ़िया लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है? कड़वा होता है, हैं? पर जिंदगी भर तो भटकते रहो, फिर रिक्शा चलाओ, हैं? पर जिंदगी भर रिक्शा चलाओ। इसलिए यहाँ प्रभुपाद किसने बोले पर देखो कहते जो श्रेय पथ की विघ्न थाके ही, कहते जो श्रेय पथ है मतलब है जो भगवान की भक्ति अभी कठिन लग रहा है। इस समय में लोग क्या करते होंगे बताओ? सोते होंगे, साधारण लोग इसी समय सोए होंगे, लेकिन भक्त लोग इसी समय क्या कर रहे हैं? कितना बजे उठे हो? 4 बजे उठ गए होंगे, 4:30 बजे उठ गए होंगे, नहा धो करके तिलक लगा करके गोविंद देव का आरती दर्शन करने के लिए गए, फिर वहाँ से फिर यहाँ आ गए, फिर मदन मोहन का आरती दर्शन किया, फिर तभी भी चैन नहीं, फिर कथा में फिर बैठ गए, हैं कथा में बैठ गए, फिर कथा सुन रहे हो, फिर गुरु मंत्र जप करोगे, फिर हरिनाम हरि का माला जप करोगे, हैं हरि की माला जप करोगे। कभी ये क्या लगता है हमें?
ये कठिन लगता है, ये कठिन लगता है सब चीज है, लेकिन इसका जो फल है ना, सोच भी नहीं सकते इसका फल क्या है। कहते एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देव सुख प्राणय अर्थय धिया वाचा श्रेय आचरणम। सद भागवत कहते हैं अभी तक तुम्हारी जितना जन्म बीत चुका है, कहते सारे जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी अगर इसी जीवन पा करके, मानव शरीर पा करके प्राणय मतलब प्राणय अर्थय अर्थक धिया मतलब हृदय, अगर एक जीवन थोड़ी सी कठोर साधन भजन कर लो, भगवान के चरण में मन को लगा लो, भक्ति साधन कर लो, एक जीवन अगर हमने भगवान की भक्ति साधन भजन तो कठोर लगता है अगर कर लिया ना, तुम्हारी जन्म जन्मांतर सुधर गए, फिर और इसी जगत में आना नहीं पड़ेगा। इसको बाद में कहाँ जाओगे, बस पर भगवान की चरण में चिरकाल के लिए चले जाओगे। इसलिए गुरु जी कहते थे एक जो साधन है ना, ये भावावस्था तक हमें साधन करना पड़ेगा, हाँ जब तक भाव नहीं आ जाता है ना तब तक हमें साधन करना पड़ेगा, कठोर साधन करना पड़ेगा, हैं समय को कभी भी इधर उधर नहीं दे करके 24 घंटा उनका नाम उनका रूप उनकी लीला उनकी कथा उनकी सेवा में एक जीवन किसी तरह से एक जीवन बिता दो, कठोर साधन करके, उसके बाद में तुम्हें साधन की जरूरत नहीं, उसके बाद में जो होगा ठाकुर कराएंगे, तुमको करने का जरूरत नहीं, इसको आगे भगवान सबके सब कराएंगे, तुम्हें फिर करने का कोई जरूरत नहीं, फिर ठाकुर जी आगे कराएंगे। लेकिन भावावस्था तक हमें साधन करना पड़ेगा, एकदम शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंद समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि। ये जो भावागुरु का जो लक्षण है बताए, कहते यहाँ तक तुमको साधन करना पड़ेगा, बस एक जीवन साधन कर लो, किसी ना कष्ट तो लगता है, कष्ट लग रहा है ना, हैं सब लोग आनंद ले रहे खा रहे हैं पी रहे हैं, और भक्त लोग जाते हैं कि शादी बैठ में प्याज लहसुन खा रहे हैं सब, और भक्त लोग देखते हैं इस चीज में प्याज लहसुन नहीं, इसको लेकर के थोड़ी दही वाला खा देते हैं, और दूसरे दूसरे क्या आनंद ले रहे सब फुर्ती मार रहे, भक्त लोग क्या करते उनके साथ में मिलते जुलते नहीं, बस अपना मन को मार देते। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबिनी में वर्णना करते हैं, जब कोई भक्त भगवान तक पहुंचता है ना, पर भगवान उसको बोलते हैं, बोले देखो ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं सब तुम्हारे पीछे खड़े होकर देख रहा था, भगवान कह रहे सब पीछे खड़े होकर देख रहा था। बोले क्या देख रहे थे, मेरे भक्त लोग क्या करते अपना मन को मार करके, सब लोग आनंद ले रहे दुनियादारी में, लेकिन मेरे भक्त लोग अपना मन को मार करके नहीं, जिसमें गुरु वैष्णव का कोई प्रीति नहीं, जिसमें ठाकुर का कोई प्रीति नहीं, भक्त लोग वहाँ से दूर रहते, अपना मन को मार करके अपना हरिनाम अपना कीर्तन अपना भजन करते हैं, उस समय तो कष्ट लगता है, बात भगवान कहते तुम ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं तुम्हारे पीछे सब कुछ इस चातुर्मा से चल रहा है, भक्त लोग तरह तरह का चीज नहीं खाते हैं वहाँ से दूर रहते हैं, अपना मन को मार करके जो मिलता है उसको खा लेते हैं, लगता है हमें कष्ट, लेकिन भगवान जिसको देख करके बड़े खुश होते हैं, देखो मेरे लिए भक्त कितना त्याग दिया है, इसलिए त्याग दिया बताओ ठाकुर जी के लिए तो हमने त्याग दिया है ना, भगवान इसी चीज से भगवान खुश होते हैं। इसलिए प्रभुपाद को भगवान कहाँ चला गया, तो किसने पूछा है, क्या पूछा है, अरे चला गया कहीं पेजी चला गया, हाँ किसने प्रश्न किया है, हरि सेवा की निजे निजे करा जाए ना, प्रश्न है कि जो भगवान का जो सेवा हम करते हैं क्या यह भगवान की सेवा व भक्ति खुद नहीं कर सकते हैं, अपनी आप क्या नहीं कर सकते भगवान की सेवा पूजा, तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण यदि जीवे दया करे तब ही हरि सेवा करा जाए। यहाँ पर कहते हैं
अपने आप हम भगवान की सेवा भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। बोले कैसे होगा? बोले कृष्ण यदि जीवर दया करे तभी हरि सेवा करा जाए। यदि भगवान की सेवा हम तभी कर सकते हैं अगर हमारी ऊपर में भगवान की दया हो, भगवान की कृपा हो, तभी कोई भगवान की भक्ति तभी कर सकते हैं। नहीं तो भगवान की भक्ति सभी की बस की बात नहीं है, हैं? सब भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि स्वपी महामुने। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरे जो भक्ति जो करते हैं करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरल व्यक्ति है जो कि मेरे भजन को जो कर सकता है। इसलिए भगवान की भजन सबको अच्छा नहीं लगता है, हैं? सबको अच्छी नहीं लगता है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। बोले ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में गुरु की कृपा तभी किसको प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति अपने आप कोई नहीं कर सकता है, नहीं तो भगवान की भक्ति में सबका रुचि नहीं होगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भजन कर सकते हैं, और कहते हैं चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भजन कर ही नहीं सकते। बताओ कौन कौन है? बोलो तो पंडित है वो। कहते ये चार तरह का, चार तरह का कौन नहीं कर सकते भक्ति? हाँ हाँ, इसलिए चार तरह का बताओ कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन नहीं कर सकते। कहते कौन है? बोले न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा मायायाम अपरहित ज्ञाना आसुरी भावमाश्रित। कृष्ण कहते हैं ये चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन नहीं करेंगे। बोले ये जो चार तरह का जो व्यक्ति भक्ति भक्ति नहीं करेंगे कौन है? बोले जो पापी व्यक्ति दुष्कृति है, जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में बहुत जो पाप कर्म करके आए हैं वो व्यक्ति मेरे भजन नहीं करेंगे। वो चार तरह का व्यक्ति कौन है? मतलब न माम दुष्कृति, जो पाप व्यक्ति कौन है? प्रथम नंबर मूढ़ा, जो मूर्ख है वो मेरा भजन नहीं करेगा। न माम दुष्कृति मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा, कहते नरों में जो अधम है मतलब इंसान में जो सबसे जो गिरे हुए व्यक्ति वो मेरा भजन नहीं करेगा। और मायायाम अपरहित ज्ञाना, जिसकी माया संपूर्ण रूप में जिसका बुद्धि को हर लिया है कह तो मेरे भजन नहीं करेगा। बोले आसुरी भावमाश्रित, जिसका आसुरी का स्वभाव है वो मेरे भजन नहीं करेगा। अरे भक्ति करेगा कौन? भक्ति करेगा कौन? बोले चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भजन करेंगे। बोले ये कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन। देखो यहाँ पर जो बताए, अगर तुम्हारी पूर्व जन्म का सुकृति है, संस्कार है, पूर्व जन्म का तुम्हारी संस्कार है तभी भजन करेगा, नहीं भजन नहीं करेगा। वो चार तरह का व्यक्ति है। बोले आर्त, आर्त मतलब होता है दुख में पड़ करके जो भगवान को पुकारता है, हैं? इसलिए कहते कौन है आर्त है? कहते यहाँ पर उदाहरण दिया गजराज, हाथी। हाथी ने भगवान को बुलाया। आपने कभी देखा हाथी भगवान को भक्ति करते हुए? अब बता हाथी कभी भक्ति करता है? कहते नहीं, इसका पूर्व जन्म का संस्कार था तभी विपत्ति में। अब देखना जगत में कितने लोगों को विपत्ति आती है, भगवान को कोई बुलाते हैं? दया रे मैया रे करते रहेंगे, हैं? इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे उसको, लेकिन भगवान को नहीं पुकारेगा। लेकिन भगवान को कौन पुकारेगा? दुख पा करके भी जिसका पूर्व जन्म का संस्कार होगा, जैसे हाथी। अब बता हाथी पूर्व जन्म में कौन था? इंद्रदुम्न राजा। जब ये इंद्रदुम्न राजा थे, एक दिन ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे थे, इतने में अगस्त ऋषि आए। जब आए
इतने में वो तो ठाकुर का सेवा पूजा कर रहे थे ना, बोले साधु आए तो बैठ जाएगी, भगवान से थोड़ी बड़े हैं, जब मेरा ठाकुर का सेवा पूजा हो जाएगा पर साधु का मैं सम्मान करूंगा। इतने में अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोले हाँ तुम तो भजन कर रहे हो अच्छी बात है, लगता है किसी गुरु जी की आनुगत्य में तुमने भजन नहीं सिखा है। कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। अगर एक तरफ में गोविंद एक तरफ में गुरु दोनों खड़े हुए, पहले किसकी पूजा करेंगे? पहले गुरु जी। इसलिए प्रथम अंतो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चन। अगर हम ठाकुर का अर्चना पूजा कर रहे हैं, अगर हमने देखा कोई श्रेष्ठ साधु आ गया, अर्चना पूजा वही रख लो, अर्चना पूजा को वही रख लो, फिर क्या करो, कूट करके जो साधु आए जो वैष्णव आए हैं उनको प्रणाम करो, उनका आदर दो, उनका आसन दे करके बैठाओ, आसन दे करके बैठाओ। अगर तुमने ये नहीं करके अगर तुम ढीठ बन करके पूजा करते रहोगे, हैं हाथी हाथी जब चलता है ना मतवाला, इसको ग्राह्य नहीं करता है यार, डोंट केयर। इसलिए बोले तुम ऐसे ही पूजा सेवा कर रहे हो हाथी बन जा। वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी का, ठाकुर रक्षा किया? ठाकुर जी रक्षा नहीं किया। इसलिए शास्त्र में बताया तीन तरह के भक्त है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? कहते अर्चया में बह रहे जब पूजा श्रद्धा थे, ठाकुर को तो खूब अर्चा पूजा सेवा करता है, कहते न तत भक्त सुचान्य सु, उनका भक्तों को कोई आदर नहीं करता, यदि ये कनिष्ठ है। मध्यम भक्त कौन है? बोलो मध्यम भक्त कौन है? क्या कहते ईश्वरे तद अधिनेसु बाली से सुच प्रेम मैत्री कृपा पे क्या जग करोती समध्यम। मध्यम भक्त उसको कहते हैं जो भगवान है ईश्वर का प्रति क्या करेगा, ईश्वर अधिनेत अधिनेसु बाली से प्रेम, कहते भगवान की प्रति प्रेम है, हैं ईश्वरे तद अधिनेसु, कहते उनका जो अधिनि जो भक्त है उनके साथ उनके मैत्री है। इसलिए ईश्वरे तद अधिनेसु बाली जो अज्ञा है उनको पर कृपा, जो विद्वेष उसको पे क्या करेगा। इसलिए जो मध्यम भक्त हैं वो भगवान को जितना आदर देता है उससे ज़्यादा आदर वैष्णव को देता है, ये मध्यम भक्त है। अब उत्तम भक्त कौन है? सभी के हृदय में जो भगवत दर्शन करता है वो उत्तम वैष्णव है। इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म में उन्होंने अगस्त ऋषि को असन्मान किया, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले भैया चरण में गिर पड़े उधार कैसे होगा, उधार कैसे होगा, एक दिन भगवान तुमको पर में कृपा करेंगे, इसलिए अभी वो हाथी बन करके आए। लेकिन चूंकि पूर्व जन्म में संस्कार भजन किया है इसलिए हाथी जीवन में भी उन्होंने भगवान को स्मरण किया, उन्होंने पुष्पों को लेकर के अंतिम समय में भगवान को अर्पण किया, तो भगवान ने मगरमच्छ को मार करके उसको उद्धार किया है। कहते आरती अर्थार्थी, आरती अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब अर्थ पैसा की, जैसे ध्रुव महाराज उन्होंने जब पिताजी की गोद में बैठने के लिए गए, छोटी माता ने भर्त्सना की गाली दी, दुर्भाग यहाँ से दुर्भागा पिताजी के गोद में बैठने के लिए आए, पिताजी का गोद में बैठना चाहते हो जाओ भजन करो भगवान की, भजन करके शरीर को छोड़ अरे मेरे कोख से जन्म ले तभी बैठ सकते हो, बड़ा कष्ट मिला, रो रो कर गए। फिर मैया ने समझाए बोले पिता कब तक रहेगा, राज्य कब तक रहेगी, अरे ऐसे कि पिताजी गोद में बैठो, जिसको गोद में बैठोगे तो कभी उतरने का जरूरत नहीं, वो पिता क्या प्रेम करेगा, करोड़ों गुरु प्रेम करने वाले भगवान हरि है। फिर उन्होंने भजन करने के लिए गए भगवान की, लेकिन भावना क्या थी, राज्य प्राप्त करना, मैं बड़ा हूँ मेरे को राज्य मिलनी चाहिए, मेरी मैया राजमाता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भजन करने के लिए तो गई। बोले क्यों, पैसा करने पाने के लिए कोई भगवान पूजा करने जाते हैं, इधर उधर देवादेवी को पूजा करेगा, हरि की क्यों पूजा की, कहते इनके पूर्व जन्म का संस्कार थी। इसलिए कहीं पुराण में आती है जब ध्रुव महाराज 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर ली, इनके मन में अभिमान आ गया, देखो
जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन देखो मैंने 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर लिया। नारद लेकर गए, बोले मेरे साथ में आओ। बोले बताओ ये क्या है? बोले हड्डी का के ढांचा है। बोले जानते हो किसका? बोले किसको? बोले तेरा। बोले मेरा। बोले तुमको लगता है इसी जीवन में 6 महीना में भगवत प्राप्ति की नहीं, इतना जीवन तुम्हारा बीत गया है और इसी जीवन में 6 महीना बाकी रह गया था। इसलिए कहते हैं तब भी कोई भक्ति पैसा के लिए भगवत आराधना करके, अगर पूर्व जन्म का संस्कार हो, आरती अर्थार्थी जिज्ञास, हाँ कहते जिज्ञासा कौन किए हैं? बोलो। कहते सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है, हाँ 6 प्रश्न किया है। कहते ऐसे नहीं कर लिया।